सरकार रचने के हक मंडिसिदारे नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के तेरळि तम्म हक्कन्न प्रतिपादने माडिदारे राष्ट्रपतिगळ मुंदे द्रौपदी मुर्मू अवर भेटी माडि हक्कु सरकार रचने माडुवंत हक्कन्न प्रतिपादने माडिदारे एनडीए नायकर जोते तेरळि हक्कु मंडने माडिदारे मूरने बारी प्रधानियागुत्तिदारे नरेंद्र मोदी भानुवार संजे प्रधानियागि मोदी पदग्रहणवन्न तेगेदुकोळ्ळुवरिद्दारे राष्ट्रपति भवन बड़ी नरेंद्र मोदी मतना जनादेश के धन्यवाद अंत नरेंद्र मोदी एनडीए मैत्रीकूट के जनादेश बारी मत आड़ के अवकाश को मूरने बारियू कूड़ा देश परिवर्तने मुंदुवरियुत्ते जनादेश प्रभु नानु चिरऋणी अंत मत्तोंदु बारी अवकाश नीडिदक्के धन्यवाद अंत तिळिसिद्दारे भानुवार संजे प्रमाण वचनवन्न तेगेदुकोळ्ळुत्तिद्दारे प्रमाण वचन कार्यक्रम संजेगे नेरवेरुत्ते राष्ट्रपतिगळु नियोजित प्रधानिगे अवकाश नीडिद्दारे देशद सामान्य जनर कनसन्न ईडेरिसलु प्रयत्न माड्तीनि अंत मोदि हेळिद्दारे 10 वर्षगळ अनुभव इदे तुर्तागि केलस माड्तेने अंत हेळि मोदि तम्म हक्कन्न प्रतिपादने माडिद बळिक ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಮತದಾರರನ್ನ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವ ಮೇ ಜೈಸೆ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಭಿ ದೌಡ ಧೂಪ್ ರಹತಿ ಹೈ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆ ಸಾಥಿಯೋ ಕೋ ಭಿ बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है। तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है। मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले एकाध सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है, एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीन एज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले दो टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में
परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी, एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री